अक्षय कुमार वर्सेस अक्षय कुमार यानी कि 2.0 वर्सेस पैडमैन, इन दोनों के बीच होने वाला था क्लैश, लेकिन पता चल गया है कि अब ये क्लैश नहीं होगा। हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं अभिषेक। आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट, जहां पर आपको मिलती है बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। तो जनाब, मैं बात कर रहा हूं अक्षय कुमार साहब की दोनों फिल्मों के बारे में। हाल ही में अक्षय कुमार, रजनीकांत और एमी जैक्सन स्टारर फिल्म रोबोट 2.0 का दुबई में ग्रैंड म्यूजिक लॉन्च हुआ है। कमाल का ग्रैंड इवेंट था, पिक्स पे पिक्स आई हैं, नए नए पोस्टर्स आए हैं उस दिन, और ये फिल्म अब तक की मोस्ट अवेटेड फिल्म बताई जा रही है। हो भी क्यों ना यार, आखिर ये इंडिया की अब तक की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। 400 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया जा रहा है। खैर, पहले ये खबरें थी कि रोबोट 2.0 दिवाली 2017 के आसपास रिलीज होगी, लेकिन ये डेट टल गई। फिर माना जा रहा था कि 26 जनवरी 2018 को ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन 26 जनवरी 2018 को तो अक्षय की पैडमैन रिलीज हो रही है। तो जनाब, सूत्रों से पता चल चुका है कि अब रोबोट 2.0 रिलीज होने वाली है अप्रैल 2018 में। जी हाँ, जब साउथ में नया साल मनाया जाता है, तब रजनीकांत अपनी इस फिल्म के साथ देने वाले हैं अपने फैंस को तोहफा। फिलहाल रोबोट 2.0 की जो रिलीज डेट बताई जा रही है वो है 13 अप्रैल 2018। वहीं पर अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन की बात करें तो ये रिलीज हो जाएगी 26 जनवरी 2018 को, यानी कि अक्षय कुमार वर्सेज अक्षय कुमार नहीं होने वाला है। वैसे चार मुंह चार बातें होती है। कोई कह रहा है कि पैडमैन की वजह से रोबोट 2.0 के मेकर्स ने अपने इस फिल्म की डेट आगे खिसका के अप्रैल में कर दी। कोई कह रहा है कि पैडमैन अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन रोबोट 2.0 की वजह से इसने अपनी रिलीजिंग डेट पहले कर ली। वैसे पैडमैन की शूटिंग तो 37 दिनों में ही कंप्लीट हो गई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आर बाल की साहब वही है जिन्होंने चीनी कम पा, शमिताब की एंड का जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। वैसे अक्षय कुमार की पैडमैन के साथ प्रोडक्शन डेब्यू कर रही है उन्हीं की पत्नी ट्विंकल खन्ना, और इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ है राधिका आप्टे और सोनम कपूर। वैसे ये फिल्म अरुणाचलम की जीवनी पर आधारित है। अरुणाचलम वही है जिन्होंने पहली बार देश में किफायती कीमत वाले सैनिटरी नैपकिन इजाद किए थे, और इस फिल्म को बनाने का आइडिया ट्विंकल खन्ना का ही था, जिन्होंने अपने बुक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद नामक एक किताब में अरुणाचलम मुर्गननाथम की कहानी बताई थी। वेल, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, उस दिन अक्षय कुमार साहब अपनी फिल्म पैडमैन के साथ आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो देशभक्ति वाली फिल्मों के नाम पर अक्षय कुमार साहब की मोहर है। देखते हैं कि ये फिल्म गणतंत्र दिवस पर कितना कमाल करेगी, लेकिन फिलहाल इसके टीजर, ट्रेलर, पोस्टर, कई चीजें बाकी है। फिलहाल फिल्मी बीट में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए बस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।